हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल एजुकेशनल हब। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मीन्स अब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो चैप्टर वाइज जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग जो है वो है हमारी थ्री टाइप्स की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले हम अब डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे पहले हम, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देन लास्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो भी हम उसके भी सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसमें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है इंट्रोडक्शन करें, उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, लाइक करेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नेचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर में। मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है जिसे डिज़ाइन किया गया है अकाउंटिंग को मैनेजमेंट करने के लिए, अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए, यानी टॉप मैनेजमेंट के लिए। इस अकाउंटिंग की हेल्प से टॉप मैनेजमेंट जो भी होती है वो अपने फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर पाती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी टॉप मैनेजमेंट है उसका काम क्या है, पॉलिसी बनाना, प्लानिंग करना, डिसीजंस लेना। तो ये जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये इसी सब में हेल्प करती है, क्रिएशन, पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग। मैनेजमेंट है वो टॉप मैनेजमेंट को ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जिस इंफॉर्मेशन से टॉप मैनेजमेंट क्या कर पाए, प्लानिंग कर पाए, वो डिसीजंस ले पाते हैं, वो उनसे स्ट्रेटजीज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। सो दिस इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो है क्या। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है हमारे पास वो सब्जेक्ट जो है वो बीकॉम थर्ड ईयर में आता है, बीबीए थर्ड ईयर में आता है एंड एमबीए सेकंड सेम में भी हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट है। ये वीडियो इन सभी के लिए है। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। जैसे मैंने नीचे और दो तीन डेफिनेशंस लिखी हुई है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, लाइक फर्स्ट हमारे पास एनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग विच एनेबल्स अ बिजनेस टू बी कंडक्टेड मोर एफिशिएंटली। इट मींस मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है जिसके द्वारा हम बिजनेस को और मोर इफिशेंटली तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास एमए। एमए मींस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सो आप कंफ्यूज मत होना। सो क्या है सेकंड हमारे पास, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ कंसर्न विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो लाता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होती है, विच इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट, राइट। एक थर्ड वन डेफिनेशन और है हमारी जो किसने दी है, CIME, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर, जो मैंने आगे जो पॉइंट लिखे हैं इसके लिए यूज्ड है। तो पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, जिसमें हम कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग करते हैं, प्रेजेंटिंग करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं इंफॉर्मेशन को, ताकि हम फॉर्मुलेट कर सकें, लाइक जो टॉप मैनेजमेंट है वो इंफॉर्मेशन को फॉर्मुलेट कर सके। सेकेंड वन है हमारे पास प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़, जिसके थ्रू हम प्लानिंग कर सके, कंट्रोलिंग कर सके। थर्ड वन है डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन ले सके, कोई भी हमें डिसीजन लेना हो तो वो डिसीजन हम ले सके। ऑप्टिमाइजिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमारे पास है उनका हम अच्छे से यूज़ कर सकें। डिस्क्लोजर टू एम्प्लॉयज, सेफ गार्डिंग असेट्स, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के जो भी असेट्स हैं उन्हें सेफ गार्ड किया जा सके। सो दिस इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म है अकाउंटिंग का, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं इंफॉर्मेशन को, प्रेजेंटिंग करते हैं और इंटरप्रेटिंग करते हैं, ताकि स्ट्रेटजी बना सके, ताकि प्लानिंग कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, सेफ गार्डिंग कर सके, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज का यूज़ कर सके। ठीक है, तो ये था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
तो आप एग्ज़ाम में आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ना बहुत ही लॉन्गली बताया, लाइक मीनिंग अलग से बताया, फिर डेफिनेशन अलग से बताई है तीन चार, और लास्ट वाली डेफिनेशन जो CIM में की है उसमें तो बताया गया है कि आपको क्या क्या है, स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, तो ये लंबी डेफिनेशन बन जाएगी आपकी 3 मार्क्स की। तो इसे आप लिख सकते हो, अगर आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपसे डेफिनेशन और बाद में करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस जो भी पूछा गया हो, तो आप एक डेफिनेशन लिख सकते हो, वो आपके तीन चार मार्क्स जो है, चार तो नहीं लेकिन 3 मार्क्स तो कवर कर ही लेगी। तो सेकंड हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है और उसकी नेचर क्या है। नेचर और करेक्टरिस्टिक्स दोनों एक ही हैं, तो मैं स्लैश करके लिख रही हूँ कि नेचर और करेक्टरिस्टिक्स हैं ये। तो आप नेचर आए आपको या फिर करेक्टरिस्टिक्स आए एग्ज़ाम में, आप दोनों में सेम ही मटेरियल लिख सकते हो। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे फर्स्ट जो हमारा फीचर है या करेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारे पास, इट इज़ यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वह ये बहुत ही यूजफुल होता है डिसीजन लेने में। पहला जो भी फीचर है हमारे पास वो है यूज़फुल इन डिसीजन मेकिंग, कि मतलब डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो बहुत ही यूज़फुल है, मतलब कंट्रोलिंग में बहुत ही यूज़फुल है। तो ये है हमारा पहला फीचर, नेचर, करेक्टरिस्टिक्स आप कुछ भी बोल सकते हो। मतलब कि अगर हमें कोई भी डिसीज़न लेना है किसी भी चीज़ के, तो उसे हम तुरंत ले सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सभी चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करी हुई होती है, तो उसमें डिसीज़न लेने में देरी नहीं होती। मतलब अब अगर हमें क्विकली कोई डिसीज़न लेना है तो वो हम ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने सेकेंड फीचर पे। सेकेंड वन है हमारा फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है डिराइव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिकली हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इट टेक्स डेटा। ये किससे डाटा लेती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है डेटा लेता है किससे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर वो जो डाटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से लेता है उस पर कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स लगाता है जो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और फिर प्रिपेयर करता है रिजल्ट, फिर प्रिपेयर करता है वो रिपोर्ट। फिर जो भी रिजल्ट होता है, रिपोर्ट होती है, उसे टॉप लेवल मैनेजमेंट को भेजा जाता है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो क्या करेगी? डिसीजन लेगी, प्लानिंग करती है। तो दिस इज सेकंड फीचर, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। थर्ड वन फीचर है हमारे पास इंटरनल यूज़। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर इंटरनल पर्पज़ ओनली। हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनल यूज़ के लिए, इंटरनल पर्पज़ के लिए ही होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन टू एक्सटर्नल यूजेस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, मैनेजमेंट पार्टी से जो भी रिपोर्ट आती है, रिजल्ट आता है, वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए नहीं होता है। वो किसी भी एक्सटर्नल पार्टी को शो नहीं की जाती है, ना ही उसमें शेयर होल्डर्स को शो की जाती है, ना ही बैंक्स को, ना ही क्रेडिटर्स को शो नहीं किया जाता। ये केवल ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल यूज़ के लिए होती है। दिस इज़ थर्ड फीचर इंटरनल यूज़। फोर्थ वन है हमारे पास प्योरली ऑप्शनल। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है दिस इज़ प्योरली वॉलेंट्री। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्योरली ऑप्शनल है। प्योरली ऑप्शनल मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपनी चॉइस है कि वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करे या फिर ना करे, ये ऑप्शनली है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी चॉइस है कि वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रैक्टिसेस यूज़ करना चाहती है या फिर नहीं करना चाहती है, ये लीगल नहीं है, एक प्योरली ऑप्शन है। देयर इज़ नो लीगल ऑब्लिगेशन, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। जबकि आपने पढ़ा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस जो है उन्हें फॉलो करना कंपलसरी है, लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है कि उन्हें प्रैक्टिसेस को फॉलो करना कंपलसरी है। लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें प्रैक्टिसेस को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस को फॉलो करना एक प्योरली ऑप्शन है। आपकी चॉइस है तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हो, अगर आपकी चॉइस नहीं है तो आप उसे फॉलो नहीं भी कर सकते हो। मतलब ये एक ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है फॉलो करना ना करना।
ये कंपनी की इच्छा है कि अगर कंपनी को लगता है कि ज़रूरत है प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की तो वो फॉलो करे, अगर नहीं है तो चॉइस मैं ले ले। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ कंपल्सरी। फिफ्थ वन है हमारे पास कंसर्न विद फ्यूचर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो भी रिपोर्ट आती है उस पर टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करती है। देन उसके बाद एक रिपोर्ट और रिजल्ट रेडी करते हैं। उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं। तो जो डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन लिए जाते हैं फ्यूचर के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए है? फ्यूचर के लिए। तो इसीलिए ही फिफ्थ हमारे पास फ्यूचर दिया गया है, कंसर्न विद फ्यूचर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो उन पर डिपेंड करता है। इसमें कोई कंपल्सरी चीज़ नहीं है, कोई कंपल्सरी रूल नहीं है कि आप इस तरह से इसे एक्सप्लेन करो या उस तरह से एक्सप्लेन करो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हो। लास्ट वन फीचर है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइक जो भी आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन है उसे प्रेजेंट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी। लाइक आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने हैं, आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। उसके लिए आपको कोई रूल नहीं बनाए हुए हैं कि आप रिटन में उसे प्रेजेंट करो, ओरल रिप्रेजेंट करो, उससे के आप मतलब जैसे भी उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो अपनी प्रेजेंटेशन आप दे सकते हो। वो भी ऑप्शनल होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो भी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की जाती है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंड होती है कि वो कैसे उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। हम पढ़ेंगे कि इसमें तीनों आ रहे हैं। लाइक हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आ रही है क्योंकि मैनेजमेंट जो है थ्री टाइप्स की अकाउंटिंग है। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। क्योंकि ये तीनों वर्ड मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इसके बीच में आ रहा है। तो ये देखेंगे हम कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है। लाइक मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये डायग्राम मैंने इसीलिए आपको शो की है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं शो कर रही हूँ। और इस डायग्राम से आपको बहुत से सारे क्वेश्चन के आंसर जो है मिल जाएंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड, और आपके इश्यू जो है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो डाटा लेती है। डायग्राम से ये भी शो हो रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो इंटरलिंक है। और जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज़ इट्स रूट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसकी जो जड़ें हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में रिलेशन क्या है और अगर डिफरेंस में ये क्वेश्चन आता है तो आप ये डायग्राम शो कर सकते हो कि इन तीनों में रिलेशनशिप क्या है। तो फर्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका मैंने लिखा है कि इसका पर्पस क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं हम। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इफ़िशेंसी है उसको और इम्प्रूव किया जा सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या पर्पस है? असिस्टिंग मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका क्या पर्पज़ है? इट्स हेल्प टू प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल। ये प्लानिंग करने में हेल्प करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है और कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। अदर भी है जैसे पॉलिसीज बनाने में, स्ट्रेटजीज बनाने में। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में क्या रिलेशन है तो आप ये शो कर सकते हो और इसके बिहाफ में कुछ लिख सकते हो। इससे ये भी समझ में आ रहा है कि ये तीनों इंटरलिंक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एक न्यू कंसेप्ट है एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग या ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फंक्शन भी आप बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हो। अगर आपने फीचर सही से पढ़े हैं, सही से आपको आते हैं, तो फंक्शन भी आपको आ जाएंगे क्योंकि फंक्शन भी उसी से ही रिलेटेड है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कहते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और एग्जाम में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन तो आता ही आता है। लाइक बट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
फीचर्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर रिलेशनशिप पूछ सकते हैं, लेकिन व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये तो क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा क्योंकि बुक ही हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। फर्स्ट जो फंक्शन है मैनेजमेंट का अकाउंटिंग का वो है इट इज़ यूज फॉर प्लानिंग। फंक्शन है ये टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करती है, किसमें हेल्प करती है, प्लानिंग करने में। दिस इज द वन ऑफ ऑब्जेक्टिव, चाहे वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो चाहे वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, फॉर द फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। इसमें ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फ्यूचर में एक्टिविटीज होती है उसके रिगार्डिंग हम प्लानिंग करते हैं इसमें, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव प्लानिंग। सेकेंड वन हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हेल्प करता है कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस बिजनेस एक्टिविटी। भी बिजनेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं और इन डिपार्टमेंट में वेरियस कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना मैनेजमेंट का काम है। अब आप सोचोगे कि कैसे हेल्प करता है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लाइक बजट। जब मैनेजमेंट बजट बनाती है तो बजट कोई एक डिपार्टमेंट नहीं बनाता है, सारे डिपार्टमेंट लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तो सारे डिपार्टमेंट जो है वो अपना जो भी उनका बजट है, फिगर है, वो बना के देता है। डिपार्टमेंट के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से बजट बनाया जाता है। कोई एक डिपार्टमेंट अगर बजट बनाता है तो वो सही नहीं है। तो ये था हमारा सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थर्ड वन हमारा है कंट्रोलिंग। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट। ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में, ये ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये हमारा थर्ड फंक्शन। फोर्थ फंक्शन है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या है हमारे पास, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में हम प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट, और ये जो रिपोर्ट है उसे प्रेजेंट करते हैं वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो वेरियस लेवल है उसे हम, ये रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है, जो भी परफॉर्मेंस है इसे कम्युनिकेट करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये था हमारे पास फर्स्ट फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिफ्थ वन है हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे टूल्स हैं जो फाइनेंशियल एनालिसिस को, फाइनेंशियल डेटा है उसको एनालाइज करना और उससे कंक्लूजन निकालना, इंटरप्रिटेट करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे टूल्स हैं लाइक रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो, जो कि फाइनेंशियल डेटा जो है उसे एनालाइज करने में हेल्प करता है। दैट इज़ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है हमारे पास क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है, हमारी ओनली क्वांटिटेटिव टर्म होती है, उसमें क्वालिटेटिव टर्म नहीं होती है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, दोनों टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इसमें होती है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी। जबकि हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। लास्ट वन जो हमारा फंक्शन है वो है डिसीजन मेकिंग, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डिसीजन मेकिंग किसी भी मैनेजमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस के लिए, हर तरह का बिजनेस, किसी टाइप का बिजनेस कर रहे हो उसमें डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है। डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, कुछ कोई निर्णय लेना, एक परफेक्ट निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, कि अगर आप प्रॉपर तरीके से डिसीज़न ले रहे हो तो फिर उसके बाद आप प्लानिंग कर सकते हो। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हो तो फिर आप प्लानिंग कैसे कर पाओगे, और आपकी जो भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो उथल पुथल हो जाएगी, मतलब उतने अच्छे से प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी। अगर आपको डिसीज़न लेना ही नहीं आता है तो उतने अच्छे से वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी जितने अच्छे से उसको परफॉर्म होना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसे आप फंक्शन में भी ले सकते हो कि ये फंक्शन भी है, फीचर भी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, और डिफरेंस लेवल पर भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये थे हमारे 7 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अभी तक हमने मीनिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कर लिया, करेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कर लिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है वो हमने कर लिया, और फोर्थ वन हमने करा
फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर टॉपिक्स हमने अभी कवर करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, टॉपिक देख लिए बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसमें यही है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, नेचर, स्कोप, फीचर्स क्या है, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है, रिलेशनशिप क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, यही है फर्स्ट चैप्टर में। तो चार टॉपिक तो हमने डिस्कस कर लिया। अब फिफ्थ वन है हमारा, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो टूल्स एंड टेक्निक्स जो है मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन कौन सी है, मैं लॉन्गली डिफाइन इनको नहीं करूंगी, क्योंकि जो भी आगे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर पढ़ने वाले हैं उनमें ये जो टूल्स है ना, ये आपको मतलब कम्प्लीटली मिलेंगे डिफाइन करे हुए, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड चैप्टर है, लाइक बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड है, मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड है, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आगे चैप्टर्स में है। और रही बजटिंग की बात, तो बजटिंग का मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें ना बजटिंग के सब कुछ लिखा हुआ है, लाइक फीचर करेक्टरिस्टिक्स सब कुछ है, बजटिंग और बजटिंग कंट्रोल में डिफरेंस भी मैंने क्रिएट करा हुआ है। तो मोटे मोटे जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो मैं आपको पॉइंट वाइज बता देती हूँ, बाकी आपको पढ़ना तो मतलब आपको मटेरियल तो खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा कि क्या क्या उसमें आप लिखोगे। इसके बाद में जो मैं वीडियो बनाऊंगी इनके बिहाफ में, तो उनसे भी आप आइडिया ले सकते हो कि आप क्या क्या लिख सकते हो। तो फर्स्ट टूल एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है हमारे पास बजटिंग। बजट करना, बजट बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। का एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप घर बना रहे हो, तो उसके लिए आपको जो है वो मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, तो उन सब का क्या आपको एक बजट बनाना चाहिए, बनाना होगा पहले कि इतने की लेबर होगी, इतने का मटेरियल होगा। तो वो क्या है कि आप एक बजट बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। बजट में क्या है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए लाइक बाहर शॉपिंग करने के लिए जाते हो, उसके लिए भी बजट बनाते हो, तो बजट का क्या है कि अगर आप बजट बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं है जो आपने बजट बनाया आप उसी में ही अपना काम कंप्लीट कर लो। हो सकता है आप उससे कम में अपना काम कंप्लीट कर लो, हो सकता है कि उससे थोड़ा ज़्यादा आपका वर्क कंप्लीट करने में थोड़ा ज़्यादा जो है वो बजट हो जाए आपका। तो एक बजट जो है हमेशा एक इनसफिशिएंट बैलेंस पर नहीं होता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये है बजटिंग। सेकंड वन है हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। थर्ड वन टूल एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग एंड CVP एनालिसिस। CVP एनालिसिस की फुल फॉर्म है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। फोर्थ वन है हमारे पास रेशियो एनालिसिस। फिफ्थ वन है हमारे पास कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिक्स्थ है फंड फ्लो स्टेटमेंट। सेवन्थ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड लास्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। दैट इज द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है सिक्स्थ वन, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस। इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अपने लास्ट टॉपिक पे जो है हमारा डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये डिफरेंस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में। कम से कम 7-8 पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको कम से कम 10 पॉइंट आने चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग की? डील्स विद कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, असर्टेनिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। डील्स विद कलेक्शन, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है कि डील विद कलेक्शन, कलेक्शन के साथ डील करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, एंड फिर क्या है कि एनालाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा टू रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस डेटा को एनालाइज करना, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है हमारे पास? डील विद आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजर फॉर अचीव गोल्स। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है कि
चीज़ों को मैनेज करना, एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में गोल अचीव करने हैं उसे वो अचीव कर पाए। देन सेकंड वन डिफरेंस है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग और कंट्रोलिंग कॉस्ट। मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना। एंड सेकंड वन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है टू असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग करना फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्लान्स के लिए डिसीजंस लेना। स्कोप क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? नैरो इन स्कोप एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वाइडर एज इन्वॉल्व्स कॉस्ट एंड फास्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो नैरो है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो वाइडर है, क्योंकि मैनेज कॉस्ट अकाउंटिंग जो है नैरो इसीलिए है क्योंकि वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही इंफॉर्मेशन लेता है, इसलिए इसको नैरो बोला गया है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को वाइडर बोला गया है। डिपेंडेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग डज नॉट डिपेंड ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर इट्स ऑफरेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे डिपेंड नहीं होती है फॉर इट्स ऑफरेंस के लिए। एंड सेकेंड वन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर इट्स इफेक्टिवनेस। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग पे डिपेंड होती है इफेक्टिवनेस के लिए। फिफ्थ वन है हमारे पास डिफरेंस प्रिंसिपल फॉलो। कॉस्ट अकाउंटिंग में है सर्टेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलोड। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करना कंपलसरी है, बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें नो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, उसमें प्रिंसिपल को फॉलो करना नहीं है। जैसे हमने पहले फीचर्स में भी पढ़ा है, ये प्योरली ऑप्शनल है कि आप किस वे से अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहते हो वो भी ऑप्शनल है। रिटर्न देना चाहते हो, ओरली देना चाहते हो, तो इसमें प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। सिक्स्थ वन डिफरेंस है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग का है ऑब्टेन डाटा फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो किसे डाटा ऑब्टेन करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे डाटा जो है वो ऑब्टेन है? कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों से डाटा लेता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही डाटा लेता है। देन हमारे पास लास्ट वन डिफरेंस है डबल एंट्री सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग में अप्लाई इन कॉस्ट अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में अप्लाई किया जाता है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई नहीं किया जाता है। मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉट अप्लाइड। मैनेजमेंट में सिस्टम में हम डबल एंट्री सिस्टम को जो है वो अप्लाई नहीं करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन की। इसमें क्या क्या आता है, मतलब लाइक ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, टूल्स, टेक्निक्स, डिफरेंस। तो ये था हमारा डिफरेंस। अब अगर आपको एक डिफरेंस की वीडियो बनाई हुई है मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड, उसमें थोड़े और पार्ट्स हैं, लाइक दो तीन पार्ट डिफरेंस उसमें और हो सकते हैं, तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उससे क्या होगा कि मैं यहाँ पे तो मैंने 7-8 पॉइंट बताए हैं, तो आपको दो तीन पॉइंट और मिल जाएगी, तो आपको हेल्प हो जाएगी, ढूंढने नहीं पड़ेंगे, उससे आपको हेल्प हो जाएगी। हम फिर सेकंड वीडियो बनाएंगे, वो सेकंड चैप्टर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मतलब वैसे तो मैं यूनिट वाइज करवा रही हूँ आपको, तो उसमें मतलब 7-8 यूनिट्स है वैसे करवा रही हूँ, लेकिन मैं चैप्टर बोल रही हूँ तो मतलब पहले से ही कन्फ्यूजन हो गया कि मैं चैप्टर बोल रही हूँ, तो यूनिट में भी आपके चैप्टर आते ही हैं, तो वो सेम ही बात है वैसे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। हमारा ये टूल और टेक्निक आता है मैनेजमेंट का, तो इसमें आप इसको पढ़ लोगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।